टाटा ग्रुप के शेयरों में आज बिकवाली है। टाटा कंज्यूमर है आज का टॉप लूजर, इसके बाद टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, इनफैक्ट टाटा केमिकल्स जैसे स्टॉक्स भी आज टूट रहे हैं। क्या सलाह देंगे आप अंशुल टाटा ग्रुप के शेयरों पर? देखिए, टाटा कंज्यूमर में अगर देखें तो काफ़ी वाइडर फॉल रही है, सेकेंड डाउन वीक है और करेंट वीक में 7.5% नीचे आ चुका है। तो थोड़ा सा ओवरसोल्ड की कैटेगरी में आ रहा है और प्रीवियस जो स्विंग लो था जहाँ से पूरी रैली स्टार्ट हुई थी वो 1108 रुपये का लेवल था। तो 1108 तक ये स्टॉक नीचे आता है वहाँ पे बाउंस बैक के लिए बाइंग बनेगी। बाउंस बैक का टारगेट 1160 1165 रहेगा, वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए क्योंकि अगर वहाँ पे लोअर हाई बनता है तो फिर हम वापस से 1060 1075 के लेवल्स टेस्ट करेंगे। दूसरा स्टॉक टाटा पावर है जहाँ पे थोड़ा सा ट्रैक्शन देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे नीचे के लेवल से अच्छा रिजेक्शन आया और स्विंग प्रीवियस जो स्विंग लो था वो होल्ड हुआ है। तो टाटा ग्रुप में जो सबसे स्ट्रॉन्ग से लग रहा है वो टाटा पावर लग रहा है। यहाँ से 399 तक की अपसाइड मिल सकती है, करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इसमें बनेगा 373 के आसपास का। ठीक है, तो टाटा पावर पर आप नज़र रख सकते हैं टाटा ग्रुप के शेयरों में। यहाँ पर ट्रेड के लिए मौजूदा स्तर पर भी एंट्री से लेने की सलाह। चलिए स्टॉक्स को अपने रडार पर लाते हैं और सबसे पहले बात करते हैं NBCC की। खबरें हैं कि 249 करोड़ का उन्होंने कुछ ऑर्डर हासिल किया है प्रोजेक्ट का मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से, और ये प्रोजेक्ट हालांकि बाहर है लेकिन आज हम देख रहे थे कि एक वक्त पे हर निशान में कारोबार करता हुआ NBCC पे भी नज़र भी रहती है। इसके अलावा ज़रा हम रडार पे लाएंगे टाटा केमिकल का स्टॉक, आज हम देख रहे हैं कि 6.25% की गिरावट यहाँ पर दबाव बनता हुआ। रवि जी, टाटा केमिकल्स और NBCC क्या राय बनेगी आपकी? देखिए, टाटा केमिकल की एक बार बात कर लेते हैं तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग तो हावी हो रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रॉफिट बुकिंग 1050 के आसपास से स्टार्ट हुई है तो थोड़ा सा चलेगी, 1010 1015 तक अभी जा सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म पर यहाँ पर बहुत ज्यादा कुछ वीकनेस आपको नहीं देखने को मिलेगी, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होगी, इसलिए तैयार रहें। एक बार को लोअर साइड पे 1020 और 1010 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इसी के कंपैरिजन में अगर हम दूसरे स्टॉक को जो आपने एनसीसी की बात की उसकी बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। शॉर्ट थोड़ा सा यहाँ पर बॉटम आउट भी स्टॉक हो रहा है और एनसीसी ने कहीं ना कहीं से 200 के ऊपर जो ये सस्टेन कर रहा है ये अब एक अपवर्ड मोमेंटम दिखा सकता है, और 200 लॉन्ग टर्म पे देखते हैं तो 255 तक के लक्ष्य और शॉर्ट टर्म पे देखते हैं 235 तक के लक्ष्य, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस 210 के हिसाब से बाय किया जा सकता है। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा समय जरूर दीजिए, मार्केट में आज पुल बैक है, एक बार में मार्केट पे नहीं कूदना है, थोड़ा थोड़ा करके कूदे, लेकिन स्टॉक को अब छोड़िए नहीं, धीरे धीरे पकड़ना शुरू करिए क्योंकि इनके मोमेंटम्स अब बहुत तेजी से यहाँ पर डेवलप होते हुए नजर आएंगे। ठीक है, तो मोमेंटम जो बाज़ार का है उस मोमेंटम में आपको बहुत बारीकी से अपनी रणनीति अपनानी होगी और हमारे एक्सपर्ट्स की सलाह में अहम स्टॉक्स में किस तरह की स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए वो भी आपके सामने उन्होंने रखी।